अजीब सा लगता है कभी कभी, शब्द भी मैं खो बैठती हूँ कि मैं क्या पूछूं क्या सवाल करूं। लेकिन तायरा जी, अब जो बात शेखर कह रहे हैं, क्या आप अंत में मैं आपसे यही सवाल करूं कि मोदी जी ने महिला सम्मान के नाम पर सारी महिलाओं को अब बिल्कुल खत्म करने की एक मुहिम शुरू कर दी है? महिला जहां भी हो उनको खत्म करो, नॉट इन द मर्डर देखिए, सेंस, बट उनको, उनका आत्मसम्मान खत्म करो, उनका अस्तित्व खत्म कर दो। मैं किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि मोदी जी उस राह पर चल चुके हैं। जी बिल्कुल देखिए नीलू, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी देखिए कितने केसेस हो रहे हैं स्कूल प्रीमिसेस में। अभी यूपी में हुआ है जहाँ की बिटिया पे स्कूल प्रीमिसेस में ही उसका बलात्कार होता है, फेंक देते हैं ऊपर से 3-4 दिन पहले। तो ये सब हॉलो स्लोगन्स हैं, इनसे कुछ नहीं होता। आपको ऐसा अगर जस्टिस है कर रहे हैं तो दिखना चाहिए, जस्टिस होता हुआ जमीन पे दिखना चाहिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बेटियों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए। जैसे ये बात आनी नहीं चाहिए, तो मैं फिर रिपीट करूं, मुझे तो ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि पॉक्सो एक्ट को बदल दिया जाए, ये आना चाहिए था बिल्कुल, क्या? बताइए आप, हमारी बच्चियों के साथ हो, अभी भी जो दिल्ली में हुआ है वो 16 साल की बच्ची है, पॉक्सो लगा है ना, तभी तो उस आदमी को जो है अरेस्ट करेंगे, उस पे बातचीत होगी। भाई पॉक्सो एक्ट बना किस लिए था? माइनर बच्चियों के साथ जो क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। हम कैसे इतने बड़े लोकतंत्र में काम करें, राइजिंग वायलेंस जो है अगेंस्ट वेमेन। तो आपके सिर्फ कहने से ये तो ये वही बात हो गई कि आप कोशिश कर रहे हैं कि औरतें अपने इशू को उठाएं। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग महिलाओं में काम कर रहे होते थे तो जो वर्किंग वेमेन थी वो मोस्टली ये बताती नहीं थी कि उनके सुपीरियर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे, बिल्कुल सही, क्योंकि यह तो वो डिपेंड करती थी उस सैलरी पे, या इंटायर फैमिली कर रही होती थी। और दूसरा उनको डर होता था, अभी भी है, अभी भी कितनी महिलाएं, अभी 10 दिन 15 दिन पुरानी बात मैं आपको बता रही, एक महिला आई जिन्होंने इस तरह का केस है, लेकिन उन्हें कहा हमारी बिटिया अभी शादी लायक है तो हम अभी नहीं कह सकते इस बात को। अब जरा सा आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि उनको कोई डांट दे धमकी दे दे, उससे बड़ा अवसर आप सोचिए, मेरा नाम भी ना आए, शी सेड। तो इस तरह से महिलाएं रह रही है, वैसे ही बोल नहीं रही है, वोकल नहीं है, वेरी फ्यू वीमेन आर वोकल, जो कही जाती है बड़ी खराब महिलाएं हैं। महिलाओं की भी तो कैटेगरी है, अच्छी और बुरी, जो सबमिसिव है वो अच्छी महिलाएं हैं, जो वो पेट्रियार्की की अच्छी है। वाहक है वो अच्छी महिलाएं हैं, लेकिन जो बोल रही है वोकल है वो अच्छी महिलाएं नहीं है। तो ये महिलाओं की आवाज को दबाने की बात है। यहाँ भाई बिल्कुल रेसलर्स ने आवाज उठाई, एक मजबूत एक पावरफुल मैन को हेड ऑन लिया। अब हेड ऑन लिया तो जाहिर है अब ये करेंगे तो और महिलाएं करेंगी, उनके अंदर भी इंस्पिरेशन आएगा, अरे देखिए ये बोल रही है हमारी, हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हम भी बोलेंगे अब हमारे साथ कुछ होगा। तो नहीं, ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दो कि नहीं भाई बोलना नहीं है, खामोश बिल्कुल रहना है, ये लोग जो भी बिल्कुल करते रहे उसको सर झुका के मान लेना है और अच्छी महिला बने रहना है बिल्कुल बस। ये संस्कार, लोग कहते हैं संस्कार डाला संस्कार डालिए, वो सारा महिला का काम है भाई। मैं जी कहती साहब हूँ अपने लड़कों में संस्कार डालो ना, ये बिल्कुल ब्रिजभूषण को ठीक से तैयार किया गया होता, सही तरह से वैल्यू डाली होती तो ये क्या करते हैं वो? आप महिलाओं को कहेंगे माई संस्कार डाले और बिटियों में डाले सारी संस्कार। तो आप देखिए जो पूरी सोच समझ है ये वीमेन की, पूरी डिग्निटी पे असॉल्ट की है, ये बिल्कुल। असॉल्ट है। उसको एक लेकिन प्लेयर को आप ढकेल रहे हैं, घसीट रहे हैं, उनका फोल्डिंग बेड तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? दे आर बिल्कुल नॉट क्रिमिनल्स, अगर या खेल आपके के आपकी बिल्कुल प्राइड, आपका आपके सर को ऊंचा किया है इन बच्चियों ने, आपको गर्व खेल होना चाहिए, इनकी बात सुनना चाहिए बैठ के, आप क्या कर सकते बताइए, दुनिया देखेगी कि हाँ आप सुन रहे हैं, आप इनकी बात को आगे ले जा रहे हैं, ना कि वो आदमी आके जैसे अभी आपने देखा सोने की चेन पहन के खड़ा है,